पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध ने दुनिया भर के लोगों का दिल दहला दिया है। इसी बीच टीवी शो नागिन फेम एक्ट्रेस मधुरा नायक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उनकी चचेरी बहन ओडाया और उनके पति को उनके बच्चों के सामने मार दिया गया है। मधुरा की बहन और जीजा इसराइल में रहते थे। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें 7 अक्टूबर से एक दिन पहले इनकी मौत की जानकारी मिली थी। वीडियो में मधुरा ने कहा, मैं मधुरा नायक भारतीय मूल की यहूदी महिला हूँ। हम भारत में सिर्फ 3,000 ही बच्चे हैं। 7 अक्टूबर से एक दिन पहले हमारे परिवार ने एक बेटी और बेटे को खो दिया। मेरी कज़िन ओडाया और उनके पति को उनके 2 बच्चों की नज़रों के सामने बेदर्दी से मार दिया गया। जिस दर्द और इमोशंस से मैं और मेरा परिवार गुजर रहे हैं, उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। मधुरा ने आगे कहा, आज इसराइल दर्द में है। हमास की आग में बच्चे, महिलाएं और बूढ़े जल रहे हैं। कल मैंने अपनी बहन, उनके पति और बच्चों की तस्वीर शेयर की थी ताकि दुनिया हमारा दर्द देखे। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि फिलिस्तीनी प्रोपगेंडा कैसा चल रहा है। मुझे यहूदी होने के चलते शर्मिंदा किया गया। अंत में मधुरा ने कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस आतंकवाद नहीं होता है। मैं फिर से क्लियर कर दूँ कि मैं दोनों तरफ से किसी भी तरह के वायलेंस का सपोर्ट नहीं करती हूँ। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।